हाँ जी देखो नेचर किस तरह जज करनी है जी, हमें नेचर कैसे जज करनी होती है। अगर शुक्र नौवें घर में बैठते हैं तो जी, अगर देखिए मान लीजिए इसका लगन लॉर्ड जो है अगर वो नाइन्थ हाउस में बैठ जाता है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि नेचर को कैसे जज करना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ये राशि कौन सी है, लिब्रा साइन है ना, तो लिब्रा साइन बेसिकली तुला राशि होती है। इसका मतलब सबसे पहले जातक में तुला राशि के ट्रेट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस राशि के लगन लॉर्ड का देखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कि वो बैठी किस राशि में है वो देखना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर किसी का लगन लॉर्ड तीन नंबर राशि में आ जाएगा ना, क्योंकि अगर हम सात नंबर राशि की बात करेंगे तो सात नंबर तो सभी की सेम होगी, है ना, इसका मतलब हर बारहवें बंदे की नेचर नहीं ना सेम हो सकती। इसका मतलब सेवन नंबर लगन वालों की भी जो नेचर है ना वो बारह तरह की होगी, क्योंकि हर बंदे का अगर हम सात नंबर की तरह ही नेचर लेके चलेंगे वो तो हर बारहवें बंदे की सेम हो जाएगी। सेवन नंबर का मतलब है अगर वो तीन नंबर राशि में होगी अलग ट्रेट्स होंगे, यहाँ पर होंगे अलग ट्रेट्स होंगे, यहाँ पर होंगे अलग ट्रेट्स होंगे उसके। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो तीन नंबर राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, और मिथुन राशि की बात की जाए एक मेल और एक फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। एक तो वैसे जो वीनस है वो एक फेमिनाइन प्लैनेट है, और वो जो बैठा हुआ है वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है। मिथुन राशि जो कि मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब जो जातक है वो फिट फॉर ऑल सोसाइटीज़ है, मतलब वो मेल के साथ भी बड़ा अच्छा डील कर सकता है, फीमेल के साथ भी कर सकता है। और नेचुरली बात है कि मेल और फीमेल साइन है तो ये जातक बड़े टॉकेटिव होते हैं और स्पेशली मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो मार्केटिंग में अच्छा होना, ज़्यादा बातें करना और स्पेशली फनी होना, ऐसे जातकों के नॉर्मल ट्रेट्स रहते हैं। लेकिन तीन नंबर राशि कहीं ना कहीं डुअल साइन भी है, तो ऐसे जातकों में डुअल टेंडेंसीज होती हैं, मतलब थोड़ी डिसीजनिंग पावर जो है वो वीक रह सकती है। इससे बड़ी बात, तीन नंबर जो राशि है ये वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व होने के कारण ऐसे जातक इमेजिनेटिव और क्रिएटिव भी होंगे। लेकिन जितना ज़्यादा हमारे लग्न का राशि के अंदर होना ज़रूरी है, उतना ज़्यादा अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर बैठ भी जाएगा तो उसके भी ट्रेट्स हम लोग जोड़ेंगे। अब इमेजिनरी या बताइए यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बिठाएं, सैटर्न। अब देखिए जो शनि है वो लग्न में बैठा है ना, तो शनि बेसिकली लग्न में बैठा है, हमारी स्क्रिप्ट ये होनी चाहिए इस जातक का जो मदर वाले घर का मालिक है वो सेल्फ में जाकर उचका होकर बैठ गया, तो ये मदर से मतलब अपनी मदर से भी है और मदर लैंड से भी है। इसका मतलब ये जातक की जो अटैचमेंट है अपनी मदर के साथ होगी, और ऐसे जातक को मदर लैंड से भी गेन होगा। मदर लैंड का मतलब है कि प्रॉपर्टी से भी ऐसे जातक गेन कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, शनि चौथे घर के साथ साथ पाँचवें घर का भी मालिक है ना, तो जो पाँचवा घर है ये बेसिकली हमारी संतान का, हमारी शिक्षा का और हमारी एजुकेशन का घर होता है। अगर एजुकेशन के तौर पर लेकर चले ये हमारी मेमोराइजिंग पावर का और दिमाग का घर होता है। तो समझ लीजिए जो दिमाग वाले घर का मालिक है वो लग्न में जाकर उचका होकर बैठ गया। सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसका मतलब ऐसे जातकों की जो लर्निंग पावर होती है वो थोड़ी स्लो होगी लेकिन परमानेंट होगी, जैसे शनि के जनरल ट्रेट्स हैं। मतलब ये वो जातक है जो याद थोड़ा धीरे करेंगे, लेकिन एक बार अगर चीज़ दिमाग में स्टक हो जाएगी वो कभी निकलेगी नहीं। पहली बार हो सकता है उसको मेमोराइज करने के लिए वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरा ये संतान का भी घर है, संतान वाले घर का जो मालिक है वो सैटर्न है जो कि लग्न में जाकर उचका होकर बैठा है। सैटर्न एक सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, और स्लो मूविंग प्लैनेट होने के कारण ऐसे जातक जो है उनकी जो संतान है वो लेट हो सकती है कई बार, क्योंकि सैटर्न है ना, शनि वैसे स्लो मूविंग प्लैनेट है और नैसर्गिक तौर के ऊपर, नेचुरल तौर के ऊपर एक मारक ग्रह माना गया है। इसका मतलब जो फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न लगन में जाकर उचका होगा, ये संतान का लेट होना लेकिन बच्चों के साथ अटैचमेंट होना, मेमोराइजिंग पावर का थोड़ा सा स्लो होना और मदर के साथ अटैचमेंट होना, मदर लैंड के साथ गेन होना, ऐसे जातकों के मतलब ट्रेट्स होंगे। इसका मतलब जो लगन का मालिक था पहले हमने उसको देखा वो किस साइन के अंदर था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो सेवन नंबर साइन है ये बेसिकली कौन सी राशि है, मूवेबल, मूवेबल साइन होगी। इसका मतलब ये हो गया कि दिमाग वाले घर का मालिक मूवेबल साइन में है, मूवेबल साइन में होने के कारण जातक का दिमाग मूव करता रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी जो डिसीजनिंग पावर है मूवमेंट वाली रहेगी, हो सकता है जातक थोड़ी थोड़ी देर के बाद डिसीजन चेंज करता रहे। इसलिए जब कभी भी हमें किसी लगन को देखना हो कि वो किस राशि में है, सबसे पहले उस राशि के ट्रेट्स, उसके बाद उस घर के ट्रेट्स, और उसके बाद अगर हम और ज़्यादा नैरो प्रेडिक्ट करेंगे तो उस नक्षत्र के ट्रेट्स भी हमें देखने इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जी सैटर्न तो उच्च के हैं, एक्सॉल्टेड है, अगर फिफ्थ हाउस में गुरु आ जाए तो फिर ऐसे का क्या होगा? हाँ जी देखिए, अगर फिफ्थ हाउस में गुरु आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने ये चेक करना है गुरु किन किन घरों का मालिक है। तो क्या यहाँ पे गुरु हार्डवर्क वाले घर का मालिक है, एफर्ट्स वाले घर का मालिक? लेकिन गुरु के जितने भी एफर्ट्स होंगे ना, ये एफर्ट्स एक पॉजिटिव डीड्स में होंगे। हाँ जी, और यहाँ पे ऑब्स्टेकल वाले घर का मालिक है। लेकिन अगर मैं हार्डवर्क के साथ छठा घर जोड़ूंगा ना,
तो ये छठा घर एक स्क्रिप्ट नहीं बनती हमारी, या हम कहेंगे ग्रामर नहीं बनेगी। अगर तीसरा घर हमारे हार्डवर्क का घर है ना, तो जो छठा घर है ये हमारे कॉम्पिटिशन का घर होगा। अगर कॉम्पिटिशन और हार्डवर्क किसी भी तरीके से एजुकेशन वाले घर में बैठ जाएगा, क्योंकि ये जनरली तो हमारे दुश्मन का घर होता है ना, लेकिन एजुकेशन में जो दुश्मन होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। एजुकेशन में जो, अगर छठवें घर को मैं एजुकेशन के साथ लिंक करूँगा तो वो कॉम्पिटिशन माना जाएगा। जनरल भाषा में वो हमारे ऑब्स्टेकल्स या दुश्मन होंगे। तीसरा घर ये होता है, ये हमारे हार्डवर्क का घर होता है। इसका मतलब जब तक ये हार्डवर्क वाले घर का मालिक और एफर्ट्स वाले घर का मालिक, कॉम्पिटिशन वाले घर का मालिक, एजुकेशन और मेमोराइजिंग पावर वाले घर में जाकर बैठा है, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे जातक जो होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर ट्राई करेंगे। एफर्ट्स के साथ होगा। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे चाइल्ड को हम लोग ज़्यादा, चाइल्ड और एजुकेशन को क्यों लिंक करते हैं, क्योंकि जुपिटर एक नेचुरल तौर के ऊपर नॉलेज का प्लैनेट है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन जो जुपिटेरियन क्वालिटीज़ की नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज होती है मच्योरिटी वाली। अब यहाँ पे रुकावट वाले घर का मालिक संतान वाले घर में है, और एफर्ट्स वाले घर का मालिक भी संतान वाले घर में है, और जुपिटर खुद संतान का कारक है। इसका मतलब है ऐसी पोजीशन में संतान रुकावट के साथ होती है, या हम कह सकते हैं जनरली माइनर ट्रीटमेंट के साथ होती है। लेकिन ट्रीटमेंट भी कई तरह के होते हैं। अगर हम जुपिटर की बात करें ना, जुपिटर एक नेचुरल प्लैनेट है जो कि एक आयुर्वेदिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे मतलब लोग अगर देसी तरीके का आयुर्वेदिक इलाज करवाएंगे ना, वो ज़्यादा रेलेवेंट रहता है कंपैरेटिवली सर्जिकल टूल्स में। अगर यहीं पर अगर सूर्य, केतु या मंगल जैसे फायरी प्लैनेट हो जाते, तो फायरी प्लैनेट का बेसिकली मतलब होता है कि सर्जिकल टूल्स यूज़ होना। अगर फायरी प्लैनेट के साथ छठे घर का पांचवें घर के साथ लिंक है, तो इसका मतलब माइनर सर्जिकल टूल्स के बाद चाइल्ड होगा। लेकिन जुपिटर और सैटर्न दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो जुपिटर और सैटर्न का, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का पांचवें घर के ऊपर प्रभाव जनरली संतान को डिले करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पांचवें घर का सर्जिकल चार्ट है, या जिसको हम कहते हैं ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो D7 चार्ट रहता है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन D7 और D1 में दोनों में इंप्लीमेंट होंगे, तो चांसेस ज़्यादा होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये चीज़ है। तो इसके अलावा अगर आप किसी प्लैनेटरी पोजीशन को लिंक करना चाहते हो, तो और प्लैनेट्स बताइए, हम वहाँ लिखते हैं। 11वें घर में सूर्य, सूर्य के बीच में सूर्य। देखिए, अब 11वें घर में अगर सूर्य आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 11वां घर स्ट्रांग हो गया। अब देखो ना, सूर्य किस घर में जाकर बैठा है, गेन वाले घर में जाकर बैठा है जी। अब सूर्य के बेसिकली ट्रेट्स क्या है, रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी। हार्डवर्क तो सैटर्न से आता है, सन से रेगुलरिटी आएगा। इसका मतलब ऐसे जातकों को जो गेन होगा ना जिंदगी में, गेन का मतलब वो हमारी सैलरी भी हो सकती है, गेन का मतलब जनरल प्रॉफिट भी हो सकता है। इसका मतलब वो जो गेन होगा वो रेगुलर होगा, कम चांसेस होंगे कि वो घटने बढ़ने वाला गेन हो, मतलब वो गेन रेगुलर रहेगा। लेकिन अगर ये चंद्रमा होता तो यही गेन इरेगुलर हो जाना था, क्योंकि सूर्य के अंदर है इक्वल फॉर एवरीबडी। हाँ जी, तो सूर्य का 11वें घर में स्ट्रांग होना किसी ना किसी तरीके से रेगुलर गेन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर जातकों को किसी भी तरीके से गेन हो रहा है, दैट मींस रेगुलर है, वो चेंज नहीं होगा। सर, इसमें आप रेकमेंड करते हो भी मानिक डाल सकता है? देखिए, जो 11वां घर होता है ना, ये कंडीशनल डल सकता है, क्योंकि जो 11वां घर होता है ये लाभ का घर तो होता है, लेकिन ये 12वें का 12वां घर भी है, भावत भावम के अकॉर्डिंग। मतलब अगर हम देखें कि हॉस्पिटल वाला घर जो है ना, जाने का ये है, लेकिन हॉस्पिटल की हानि 11वां घर होगा ना, लेकिन हॉस्पिटल की हानि तो तभी होगी अगर कोई जाएगा, ठीक है। इसीलिए हॉस्पिटल जाना क्या है 12वां घर, हॉस्पिटल से आना क्या है 11वां घर, क्योंकि हॉस्पिटल से आना ही लाभ है। जेल में जाना क्या है 12वां घर, जेल से आना क्या है 11वां घर। इसका मतलब किसी ना किसी वे में लाभ हमेशा अच्छा नहीं होता। जैसे किसी को कर्जा मिलना एक बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन वो जो कर्जा है वही लेगा जिसके पास पैसा नहीं होगा। इसलिए लाभ हमेशा अच्छा नहीं है। हमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करनी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिक्वायरमेंट है ना लाइफ की, उसी का स्टोन डाला जाए। अगर मान लीजिए रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ तक कि रेमेडीज भी जो की जाए उसी चीज़ की जाए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज रेमेडी अवॉइडेबल है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि कैसे इसको लिंक करना है? कर दें।